हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम बात करने वाले हैं आज की डेट में एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड और अगर बात करें कल की डेट में यहाँ पर तीन वीडियो ऑलरेडी चार वीडियो ऑलरेडी आई थी इन वीडियो को होप आपने देखा होगा और यहाँ पर जोमेटो का आईपीओ आने वाला है तो इस जोमेटो का आई पी ओ पे भी ध्यान दीजिएगा आपके लिए यहाँ पर प्लेलिस्ट बना रखी है तो प्लेलिस्ट में जाके गो थ्रू करिए अलग अलग तरीके की आपको वीडियो यहाँ पर आ, आ, मिल जाएंगी जहाँ पर आप आ, अपनी नॉलेज को शार्प कर सकते हो और एक बार नॉलेज को शार्प कर लेंगे तो आपके लिए ईजी होगा मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमाना और अच्छा खासा पैसा का मतलब है अगर आप

7% है 1 मंथ की बात कर रहे हैं 1.88% का यहां गिरावट है 3 मंथ्स में 10% की रिटर्न है 6 मंथ में 21% के रिटर्न है 1 ईयर की बात करें रहे हैं 62% के रिटर्न इस कंपनी ने दिए हैं और अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम तो मैक्सिमम भी लगभग अच्छे खासे रिटर्न यहां पर कंपनी ने दिया है तो ये चीज बताती है कि कंपनी को आप जितना लंबा रखोगे उतना अच्छा यहाँ पर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगी तो लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टस से हो गया बट हम लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टस से नहीं हम बात कर रहे हैं पर पर स्विंग स्विंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग के के से से तो से ये शेयर आपको अच्छा खासा गेन दे सकता है अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इस शेयर से रिलेटेड तो यहाँ पर ये कंपनी का नाम है कल्प पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड तो देखिए जैसे जैसे पावर के सेक्टर में जिस तरीके से भाग भागम भाग मची हुई है जिस तरीके से पावर के सेक्टर

किया जाएगा अलग अलग तरीके रियल में पर पैसा खर्च किया जाए तो यहाँ पर कंपनी है जो अभी कुछ दिन पहले पर पर ऑयल से रिलेटेड न्यूज आई थी रेलवे से रिलेटेड कंपनी काम करती हुई नजर आती है तो यहाँ पर ये जितने भी आ, इंडिया जिससे ग्रोथ की तरफ जा रहा है ना तो उसमें ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है तो आगे चल के यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर पैसा बनने की यहाँ पर बहुत ज्यादा उम्मीदें है और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न भी दे रखा है

तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी में भी देखिए यहां पर ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया जाता है उसमें कंपनी काम करती हुई नजर आती है एज एज वेल रेलवे और रेलवे तो आपको पता ही है इंफ्रास्ट्रक्चर तो भारत में सबसे मेन माना जाता है और ये हर बहुत बड़ा बड़ा हमारा आई थिंक वर्ल्ड का सबसे रेलवे का जो जाल है जिस तरीके से कहते हैं तो वो इंडिया का ही है तो यहाँ पर पैसा खर्च करती हुई नजर आती है एसेट क्रिएशन की बात करें तो यहाँ पर भी ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है तो इस सीट को आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख लीजिए पावर ट्रांसमिशन लाइन बोट प्रोजेक्ट बायो प्लांट मेजर ऑपरेटिंग उप्रे, सब्सिडरीज तो यहाँ पर ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है इसके अलावा इसके, इसके कुछ हो हो, अगर बात करें फाइनेंशियल की तो आ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके फाइनेंशियल ये स्मॉल कैप कंपनी छह हजार तीन सौ छियालीस करोड़ का मार्केट कैप है पी की बात करें बारह के पी पे मिल रहा है काफी सस्ता है, यहाँ पर स्टॉक है ROC, 16 की है है की की अच्छी बात है. की बात डेट तैतीस परसेंट का डेट है और प्लेजिंग की बात करें प्लेजिंग यहाँ पर फिफ्टी परसेंट दिखाई दे रही है तो यहाँ पर कंपनी के पास प्लेजिंग भी है जिस जो की यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट के रूप में है और यहाँ पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर फिफ्टी सेवन परसेंट थी एक साल पहले अब फिफ्टी परसेंट कर दी गई है तो यहाँ पर ये चीज भी यहाँ पर

Uh, यहाँ पर सेल्स होती हुई इससे रेवेन्यू होते हुए दिखाई दी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर एक जो ये 2019 मार्च में दो करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था आज की डेट उसके बाद अगर बात करें तो इस दोबारा से कंपनी ने परफॉर्म करना शुरू किया है टू करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट है सेम अगर एज इट इज बात करें तो यहाँ पर वन uh, थर्टी करोड़ रुपीज का नेट प्रॉफिट भी निकल के आया इससे पहले टू था जस्ट बिकॉज ऑफ अगर बात करें अदर इनकम की वजह से इसके अलावा अगर बात करें प्रॉफिट एंड लॉस तो यहाँ पर ईयरली बेसिस पर भी देखिए यहाँ पर

धीरे धीरे यहाँ पर जैसे कि हमने देखा था प्लेस भी कम हुआ है तो यहाँ पर डेट धीरे धीरे कंपनी कम कर रही है और जितना डेट है रिजर्व इतने अच्छे खासे हैं इनके पास कि ये डेट को एक बारी में भी चुका सकते हैं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इन कंपनी के लिए यहाँ पर बात करें फिक्स एसेट तो फिक्स एसेट भी यहाँ पर देखिए

का आर ओ सी है और प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए 56.49% की होल्डिंग यहाँ पर है अगर बात करें जो मार्च जो जहाँ पर इनके 54% की होल्डिंग थी वहाँ से है कंटिन्यूटी के साथ बढ़ाते हुए जा रहे हैं और इस बार की बात करें एक साल के अंदर अंदर इस कंपनी के प्रमोटर्स ने 2. समथिंग परसेंट की होल्डिंग आई इंक्रीज करी है डी एफ आईज की बात करें एफ आईज ने भी यहां पर इंक्रीज करी है दिसंबर में 4.37 थी इस बार 6.33 है डी आई एस की बात करें डी आई एस के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है 27.25

तो यहां पर देखिए यहां पर ऊपर गया था फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे आया है तो यहां पर एक इसने यहाँ पर शोल्डर बनाया छोटा सा इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर एक इसका हेड हेड बनता हुआ नजर आ रहा है और के बाद पर इसका दोबारा से शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है तो अगर ये थोड़ा बहुत और गिरता हुआ नजर आता है ना ये अगर ये ये बात करें 50 DMA की लाइन है और ये इसके आसपास ये अगर दस पंद्रह रुपए और गिरता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बायोन डिप्स करने की रहेगी और यहाँ पर अच्छा खासा आप अः बायो ड्रिप्स करके यहाँ पर अच्छा खासा गेन के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं अगर हम यहाँ पर देखें सॉरी एक मिनट तो अगर हम यहाँ पर गेन देखें कि यहाँ पर कितने गेन हमें मिल सकते हैं तो यहाँ पर इसे पिक करके ऊपर लगा देते हैं तो हमारा गेम भी पता चल जाएगी कितने गेम मिल गए तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो लगभग लगभग ये सात रुपए पे ये शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और रिसेंट से अगर हम बात करें कि कितना गेन uh, uh, यहाँ पर आपको मिल सकता है तो यहाँ पर से अगर हम देखें तो लगभग 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 80 के यहाँ पर, यहाँ पर के के पर 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 गेन 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 मिलने पूरी आशंका है 75 75 के gain, 75 लगा लीजिए और जब यहाँ पर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सब चीज पे जोर दिया जा रहा है तो ये शेयर जब यहाँ पर सब शेयर भाग रहे हैं तो ये शेयर भी भागेगा और जब ये शेयर भी भागेगा तो यहाँ पर सेवेंटी के गेन आपको एक से डेढ़ साल के अंदर अंदर मिल जाने चाहिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और यहाँ पर कंपनी कंसिस्टेंट यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करिए हाईस्ट एवन

ट शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस।